हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा से तैयारी भी चल रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पे एक भर्ती निकल के आ रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड के तरफ से एक भर्ती आया है। जो वैकेंसी आया है दोस्तों, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ये दोस्तों कोल इंडिया के अंदर आता है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरा जानकारी दूंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक देखना है, और वीडियो अच्छा लगेगा जरूर एक लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जॉब के रिलेटेड अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ। वहाँ पर आप लोग को मैं सारे जानकारी दे दूँगा कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हो या डिप्लोमा स्टूडेंट हो या डिग्री स्टूडेंट हो, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट बना दिया हूँ, डाउनलोड करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। देखिए दोस्तों, वैकेंसी जो निकल के आ रहा है, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट जो आता है कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर, जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे जॉइनिंग होगा तो आपकी रांची जाना पड़ेगा। रांची में ही यहाँ पे जॉब लोकेशन है। कुल मिला के टोटल पोस्ट है 30, जिसके लिए दो 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 टाइप का पोस्ट रखा गया है, असिस्टेंट ड्रिलर और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड 2। असिस्टेंट ड्रिलर जो वैकेंसी है 15 है, और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड 2 है, वो भी 15 वैकेंसी रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा दोस्तों, देखिए असिस्टेंट ड्रिलर के लिए आपके पास मेट्रिकुलेशन के बाद 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। उसके बाद दोस्तों, जो असिस्टेंट जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, ग्रेजुएट इन साइंस विथ केमिस्ट्री आज वन द सब्जेक्ट, मतलब आपकी साइंस में होना चाहिए और केमिस्ट्री तो होगा। और यहाँ पे एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट 30 ईयर, 18 से 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो आज पर गवर्नमेंट रूल एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। दोस्तों, एप्लीकेशन फी के बात करें तो आपको ₹500 एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा, ₹500 एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने से पहले आप लोग को कॉलर फोटो और सिग्नेचर ये सारे आपको स्कैन करके रखना है। रिक्वायरमेंट साइज वाइज 50 KB के अंदर आपकी ये सारे स्कैन करके JPG फॉर्मेट में रखना है, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो एप्लीकेशन का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 26 सितंबर से शुरू करके 24 अक्टूबर तक इसको अप्लाई कर सकते हो। करीब करीब 1 महीना रखा गया है इसको अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों, एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट का अपडेट यहाँ पे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा आगे जाके, अभी कोई भी अपडेट नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया गया है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारे डिटेल्स दे दिया गया है। जरूर इसको अप्लाई करिए। अगर इसको अप्लाई करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। यह है दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आप अगर प्रोसीड में क्लिक कर रहे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय हिंद।